इसमें तो मानसिकता दिखती है ना सरकार की, वो समय समय पर यही करते हैं। अगर कोई हिंदू धर्म का कोई भी आयोजन होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें कुछ ना कुछ अरंगा तो डालते ही हैं। उनको इस तरह का कौन सा इनपुट मिलता है? पहले भी घटनाएं हुई, उस समय तो उनके पास बहुत कुछ इनपुट भी था, जानकारी भी थी, लोगों ने शिकायत भी की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जब कन्हैया लाल जी के साथ हुआ था उदयपुर में, तब उनके पास इनपुट नहीं था क्या? और अभी इनके पास इनपुट है? उदयपुर कलेक्टर ने एक आदेश दिया है जिसपे बीजेपी घेरने का काम कर रही है, सरकार को तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है। आपने भी ऑर्डर्स पढ़े हैं, किस तरह से देंगे? नहीं, बहुत ही गलत है वो इस तरह से कि धार्मिक आयोजन नहीं होने देंगे। और जिस तरह से उन्होंने विशेषकर अभी हमारे त्योहार चल रहे हैं, हनुमान जयंती थी, उसमें इस तरह का आदेश निकालना मुझे लगता है बहुत गलत है, बिल्कुल बायस्ड है, और इस तरह से उनको नहीं करना चाहिए था। पर इसमें तो मानसिकता दिखती है ना सरकार की, वो समय समय पर यही करते हैं। अगर कोई हिंदू धर्म का कोई भी आयोजन होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें कुछ ना कुछ अरंगा तो डालते ही हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। पूरी तरह से तुष्टिकरण हो रही है। हम तो जानते हैं कि ये साढ़े चार सालों में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ यही किया है, तो ये बहुत गलत है। उनको इस तरह के ऑर्डर नहीं देने चाहिए थे, और इस तरह का ऑर्डर उन्होंने दिया है तो उसको दोबारा से विचार करके उनको विड्रॉ करना चाहिए। मैम, प्रशासन के ये तर्क है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुछ लोग काम कर रहे थे और इंटेलिजेंस इनपुट था, जिसके बाद में उन्होंने आदेश जारी करे, और इन दो महीनों में ईद और कई त्यौहार और भी आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि किसी भी धर्म के लिए या किसी भी इस तरह के त्यौहार जब आते हैं, उसमें उनको इस तरह का कौन सा इनपुट मिलता है? पहले भी घटनाएं हुई, उस समय तो उनके पास बहुत कुछ इनपुट भी था, जानकारी भी थी, लोगों ने शिकायत भी की थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ये जब कन्हैया लाल जी के साथ हुआ था उदयपुर में, तब उनके पास इनपुट नहीं था क्या? और अभी इनके पास इनपुट है? आई एम सॉरी, ये पूरी सब जानते हैं कि क्या हो रहा है, जानबूझ के ये त्योहार का समय है, और ये कुछ भी सेलिब्रेशन ना हो, शोभा यात्रा ना निकले, इस वजह से उन्होंने इस तरह। राजसभा में भी घटना हुई थी कल एक, जिसमें आज 20 लोगों को डिटेन भी किया गया। मैम, हनुमान जयंती का बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, देखिए बहुत शांतिपूर्वक हुआ था, कुंभलगढ़ में भी हुआ, राजसमंद में भी हुआ, बहुत अच्छे से सारा कुछ हुआ। और ये लोग तो क्या है, जान मूझ के कुछ ना कुछ कमी निकालना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे हिंदू समाज पे विशेष कर ये इस तरह से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और हमारे जितनी भी त्योहार है उनको ठीक से मनाने नहीं देते। ये बहुत गलत है, और मैं तो इसका पूरा खंडन करती हूँ।